हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों और एक नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से बात करूंगा कि आपके पास जियो 320B है, 320B ये मतलब हार्ट रीसेट करना चाहते हैं, आपका हैंग प्रॉब्लम, अगर आपका जो ये मोबाइल लॉक हो चुका है तो इसे अनलॉक किस तरीके से कर पाएंगे, वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले गाइस, आप लोगों को जो करना है, आप लोगों को जो इसका जो केस है, मतलब ये जो है ढक्कन है, इसे खोल देना है और उसके बाद जो है बैटरी को निकालना है। ठीक है, बैटरी को निकल कर आप लोग बैटरी को डाल दीजिए। डालने के बाद अभी सिंपली से आप लोगों को क्या करना है गाइस, ये जो रेड वाला बटन है और ये स्टार वाला बटन है, दोनों को एक साथ प्रेस करना है। दोनों को एक साथ प्रेस करते रहिए तो ये आ जाएगा। आने के बाद आप लोगों को इसे छोड़ देना है और ये जो स्टार बटन है इसे दबाए रखना है। ठीक है, जैसे ही दबा रखेंगे और ये जो आ जाएगा तो आप लोगों को एक कोई भी एक बटन जो प्रेस कर लेना है। तो आप लोगों को मैं सामने आकर दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी आप लोगों को क्या करना है, ये जो नीचे जो है आप लोग देख सकते हैं वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट, तो यहाँ पर लाना है वाइट वाले कलर को। ठीक है, नीचे आना है यहाँ पे। आने के बाद ये जो रेड वाला बटन है इसे आप लोगों को प्रेस करना है और यहाँ से नीचे आना है ES में और फिर से जो है रेड वाला बटन है इसे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फिर से आएगा यस, तो फिर से आप लोगों को रेड वाला बटन में क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है रिबूट सिस्टम नाउ यहाँ पर रहने देना है और आप लोगों को फिर से जो है रेड वाला बटन है इसे प्रेस करना है। जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और आपके सामने वेलकम आ जाएगा। तो इसे जो है आप लोगों को अभी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है, इसे फुल्ली तरीके से जो है ऑटोमेटिकली जो है ओपन होने देना है। अगर छेड़छाड़ करेंगे तो आपका जो हार्ट रिसेट है ये फुल्ली तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। और गाइस, ये जब भी आप लोग करेंगे, ये आपका बैटरी जो है चार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज जो है बैटरी में कम होना नहीं चाहिए, तो ये बीच में अटक जाएगा तो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसे अभी जो है कंप्लीट होने के लिए देते हैं और ओपन होने के बाद कैसा दिखता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसे ओपन होने के लिए देते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास 220B है तो उसमें भी इसी तरीके का जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, ये प्रोसेस को अगर आप लोग ट्राई करते हैं, हैंग रिसेट मतलब और लॉक हो चुका है आपका मोबाइल, ये अगर टेक्निक यूज़ करेंगे तो आपका मोबाइल जो है ओपन हो जाएगा और हैंग प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाएंगे, हार्ड रिसेट भी कर पाएंगे आपके मोबाइल का। तो इसे ओपन होने के लिए देते हैं। ओपन होने के बाद कैसा आता है मैं वो आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो यहाँ से आप लोगों को इंग्लिश में सिलेक्ट करना है और यहाँ से अगर अलाउ करना चाहते हैं तो अलाउ कर दीजिए। तो गाइस, मेरा यहाँ पर बैटरी ख़त्म हो चुका है मोबाइल का, मतलब नहीं है अभी मोबाइल है बैटरी, तो मैं इसे अलाउ कर देता हूँ और नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करने के बाद ये अगर आप लोग माइक सेटिंग करना चाहते हैं सेटिंग कर सकते हैं, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आ जाएगा, तो आप लोगों को ये सेट कर लेना है। तो गाइस, ये जो है हमारा जो है फुल्ली तरीके से जो है रिसेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप अपने जियो फोन को जो है हार्ड रिसेट कर सकते हैं। तो गाइस, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो गया है। तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर चैनल में नया आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन है उसे दबाना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।